नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। मित्रों, जानकारी देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 जुलाई 2021 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए 18 जुलाई रविवार 2021 का यह दिन कैसा रहेगा, इस दिन किन किन चीज़ों में आपको लाभ होगा और किन किन चीज़ों में आपको सावधानियां बरतनी है, कहां कहां पर आपको मनचाही सफलता हासिल होगी, कहां कहां पर आपको आर्थिक लाभ होंगे, कहां कहां पर नुकसान होंगे, सभी कुछ जानेंगे। आपकी नौकरी, आपका करियर, आपका व्यापार कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ, आपका प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति में क्या उतार चढ़ाव होंगे, आपकी शिक्षा, आपकी सेहत कैसी रहेगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में अंत में मैं आपको एक बहुत सरल उपाय बताऊँगा, इस उपाय को आज आप जरूर सुनें और इसका लाभ उठाएँ। बात कर लेते हैं राशिफल के बारे में। सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति की बात करते हैं, ग्रह नक्षत्रों में क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं। 18 जुलाई 2021 को शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, स्वाति नाम का नक्षत्र है, साध्य नाम का योग है, रविवार का ये दिन है, चंद्रमा आप ही की राशि तुला राशि में मौजूद हैं, जबकि सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। बात करते हैं आज के राहु काल के समय की। ये समय होगा शाम 5:33 से लेकर शाम 7:14 तक का समय आपके लिए अशुभ है। इस समय आप कोई भी शुभ काम ना करें, कोई भी नया काम ना करें। बात करें अगर आज के अभिजीत मुहूर्त के बारे में, तो ये समय होगा दोपहर 3:53 से लेकर शाम 5:32 तक का समय आपके लिए शुभ है। इस समय आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, कोई भी नया काम कर सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। मित्रों, ये था ग्रह नक्षत्रों का हाल। इसी के आधार पर हम आगे जानेंगे 18 जुलाई 2021 का यह दिन आपके लिए कैसा रहेगा। मित्रों, बात करते हैं राशिफल के बारे में। आज चंद्रमा की स्थिति की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो चंद्रमा आज आपके लग्न में विराजमान हैं, पराक्रम के भाव में हैं, आपके कार्यक्षेत्र के भाव में चंद्रमा मौजूद हैं। जो आपकी दिनचर्या है उसमें कुछ अलग तरह के परिवर्तन आज आपको दिखाई देंगे। देखिए, आज एक तो आपके अंदर साहस बहुत अधिक बढ़ेगा, हर काम को करने की आपके अंदर एक तीव्र इच्छा होगी, एक जोश होगा, एक उमंग होगी, यानी आज का ये दिन आप लोगों को साहसी बना देगा। लेकिन देखिए, आज आप किसी भी तरह का समझौता किसी से भी करने को तैयार बिल्कुल नहीं होंगे, और वहीं आज सभी तरह के झगड़ों से आप बचते हुए नजर आएंगे, यानी वाद विवाद जैसी स्थितियों में आज आप नहीं फंसेंगे। आपकी वाणी बड़ी अच्छी होगी, बड़ी सौम्य होगी। देखिए, प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी शानदार है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लव लाइफ आपकी आज काफी अच्छी रहेगी। देखिए, किसी भी वाद विवाद में आज आप फंसने से बचेंगे, आपकी वाणी बड़ी अच्छी होगी, संचार कौशल बड़ा अच्छा रहेगा, जिससे आप दूसरों के मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि देखिए, आज आप थोड़े मूडी हो सकते हैं, यानी अपनी मर्जी से काम करने वाले आप इस समय हो सकते हैं। अगर मन होगा तभी आप काम करेंगे, और मन नहीं है तो किसी की नहीं सुनेंगे, यानी इस तरह से आप यहाँ पर थोड़े से मूडी हो सकते हैं। इसके अलावा आज आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध बड़े अच्छे होंगे, और यहाँ एक जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है दोस्तों, अगर आपके बड़े या छोटे भाई बहन हैं तो उनको आज अपने कामकाज में, या अगर वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो शिक्षा में सफलता उनको मिल सकती है। दोस्तों, इस दिन की शुरुआत आप लोगों के लिए बेहद खास हो रही है। इसके अलावा देखिए, आज आपको अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होंगे, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, हर एक चीज़ में आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। इस दिन को आप अपने लिए एक सफल दिन बना सकते हैं। साथ ही आज चंद्रमा आपको लाभ कमाने की तरफ भी ज़्यादा आकर्षित करेंगे, यानी आप जो भी करेंगे उसमें आपका मोटिव होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पैसा कमा सकें, धन अर्जित कर सकें। और साथ ही देखिए, ऐसा भी ये समय होगा कि जब आपको प्रसिद्धि मिल सकती है, अपने किसी काम की वजह से आपका नाम रोशन हो सकता है, आपकी ख्याति हो सकती है। लेकिन देखिए, किसी भी तरह की बहजबाजी से आज आपको बचना होगा। कहीं पर यदि वाद विवाद की स्थितियाँ बनती हैं, दो लोगों के बीच में आपको नहीं बोलना है, विवाद की स्थिति में नहीं पड़ना है, किसी का विवाद सुलझाने की भी कोशिश आज आपको नहीं करनी है। बाकी आज का ये दिन आप लोगों के ही पक्ष में रहेगा। हालांकि देखिए, आज आपकी माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। आपको अपनी माता की सेहत का आज ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये समय ऐसा है, यहाँ आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी, तो वहीं कुछ चीज़ों में आपको थोड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, इसलिए माता की सेहत का आज आप ध्यान रखें। अगर उनको सर्दी खांसी जैसी परेशानी होती है
तो उनको सबसे पहले चिकित्सालय से संपर्क करें। उनके खान पान पर आप ध्यान दें, दवाइयां टाइम पे दें, समय पे दें। इसके अलावा देखिए, आज आपके अंदर जितना भी नेगेटिविटी है वो सभी नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाएगी, आपके काम तेज गति से चलेंगे, आप काफ़ी पॉजिटिव स्वभाव वाले होंगे, पॉजिटिव सोच होगी, पॉजिटिव चीज़ों को करने के बारे में आप ध्यान देंगे। चंद्रमा आज आपके लग्न में विराजमान है, तो यहाँ पर देखिए ये समय इसकी वजह से विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा होगा। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे, अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे, साथ ही पारिवारिक जीवन के लिए भी आज का ये दिन काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। यदि बात करें प्रेम संबंधों की, तो देखिए प्रेम संबंध जो जातक प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए दिन काफ़ी अति उत्तम कहा जा सकता है, क्योंकि ये लग्न में विराजमान है चंद्रमा, जो कि प्रेम का भी भाव होता है। चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित नहीं है, दांपत्य जीवन भी यहाँ पर बेहद शानदार होगा। पति पत्नी के बीच संबंध काफ़ी मधुर होंगे, प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे की आप बातें सुनेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझेंगे, आप अच्छे से एक दूसरे के साथ दिन को एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे, काफ़ी रोमांस भी होगा, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। साथ ही आज संतान प्राप्ति के भी योग आपके लिए बने हुए हैं। और देखिए इस समय जो जातक प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा दिन है, यानी कि जो अभी तक अविवाहित हैं, अविवाहित जातकों के लिए प्रेम जीवन के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। आप ज़्यादातर एक दूसरे के साथ समय गुजारते नजर आएंगे, कहीं बाहर लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं या घूमना फिरना, मौज मस्ती इस समय आप दोनों के बीच में हो सकती है। और देखिए जो समय होगा उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है जो किसी अकाउंट के क्षेत्र से जुड़े हैं या आप किसी सैनिक कार्य के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए ये समय काफ़ी उचित है। इसके अलावा देखिए आप लोगों के लिए धन आने के नए नए मार्ग खुलेंगे, यानी धन का प्रवाह ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इस समय आप लोगों के लिए धन के लिए स्थितियाँ काफ़ी फायदेमंद साबित होंगी। आप अपने काम में प्रयास करते हैं उससे धन की आवक यहाँ पर आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, आपके काम सफल होंगे, कामों में तेज गति देखने को मिलेगी। और साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, यहाँ यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आपको होती है तो वो परेशानी यहाँ पर आपको जल्द से जल्द दूर करनी है, इसलिए खुद पर ध्यान रखें, अपनी जो बीमारी है उसके लिए समय से मेडिसिन आदि लेते रहें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। हालांकि यहाँ पर आपकी बीमारी से आपको निजात मिलेगी, समय आपको आत्मिक सुकून की प्राप्ति कराएगा। हालांकि आज आपको अपने हर कार्य में, हर कार्य क्षेत्र में अपने परिवार वालों का, अपने साथी का, अपने मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग से अब आप अपनी काबिलियत को दिखाने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। ये समय बेहद अनुकूल है, आज का दिन आप लोगों को बड़े अच्छे रिजल्ट देगा, बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, बहुत कुछ दे कर जाएगा, बस इसका फ़ायदा आपको आज अच्छे से उठाना है। देखिए आज आप अपने अपनों का मन लगा कर रखेंगे, अपनों के साथ पल को, समय को एंजॉय करते नजर आएंगे, यानी घर परिवार में आप ज़्यादा समय बिताएंगे, जिसकी वजह से काफ़ी खुशियों का माहौल आपके घर परिवार में बना रहेगा। इसके अलावा यदि बात करें इस राशि के व्यापारियों की, तो देखिए यदि आप कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, कोई बड़ा व्यापार करते हैं, तो वहाँ आपको अपनी वर्तमान योजनाओं में कुछ अवरोधों का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी से आपको हर कार्य को करना होगा। अपने शत्रुओं से भी सावधान आपको रहना है, क्योंकि शत्रु का इस समय आपके शत्रु आपके ऊपर हावी रह सकते हैं। बाकी आज का ये दिन आप लोगों के लिए किसी भी चीज़ की खरीदारी या निवेश के लिए बहुत ही बढ़िया दिन साबित होगा। इस दिन आप प्रॉपर्टी आदि में निवेश भी कर सकते हैं, बड़ा अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। इस समय आपको आर्थिक लाभ के भी योग बन रहे हैं, धन आएगा, पैसों की आवक होगी, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। साथ ही देखिए आज ऐसे लोगों के साथ आप रहना पसंद करेंगे जिनकी संगति आपको अच्छी लगती है, यानी पूरी दुनिया को आप अपने दोस्तों के नज़रिए से अनुभव करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कामयाबी केवल किस्मत वालों को ही नसीब होती है, इसलिए इस समय आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अपने लिए बिल्कुल भी इस समय किसी काम को छोटा ना समझें, सदुपयोग समय का इस समय आपको करना है। पिछले कुछ समय में जो आपने योजनाएं बनाई हुई थी उन पर काम करने का ये समय है, अपनी उन योजनाओं को अपने काबिलियत के दम पर आप पूरा करें। बात करें देखिए यदि आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो आज आप बखूबी उसको निभाने का प्रयास करेंगे। कोई कार्य अगर आपको किसी कारणवश दिया जाता है तो उसको कल पर ना टालें, उसको आज ही खत्म करें। अगर आज खत्म करेंगे तो उसका बेनिफिट आज आपको आज ही देखने को मिलेगा। और देखिए इस दिन आप अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करेंगे, पूरा पूरा लाभ इस दिन का उठाएं। और यदि बात करें नौकरी पेशा जातकों की, तो देखिए नौकरी में प्रमोशन आपको देखने को मिल सकता है, आपकी आय बढ़ सकती है, प्रमोशन के योग आपके लिए बन रहे हैं, तो आज का ये दिन काफ़ी अच्छा है। चलिए बताते हैं आज का विशेष उपाय, इस उपाय को आज आप जरूर करें, अपने मन में पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करें।
दोस्तों क्या करेंगे, आज आप गरीबों को चावल का दान करें, दूध का दान करें, यानी कोई सफ़ेद वस्तु का आज आपको दान करना है। सफ़ेद मिठाई दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र या फिर दूध, दही, चीनी, इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।